नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र मुजीर आप सभी का स्वागत करता हूं गुजरात चेस जोन। अभी फिलहाल हम लोग सिसिलियन डिफेंस ओपनिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें खास वेरिएशन में आपको बता रहा हूं नेसडॉर्फ वेरिएशन। और नेसडॉर्फ वेरिएशन में बहुत सारे वेरिएशन है, मैंने लास्ट टाइम आपको डिस्कस किया था बिशप E3, उसके बाद बिशप G5 पे हम अटके हुए। अभी बिशप G5 का वेरिएशन चालू है, तो बिशप G5 में और भी वेरिएशन है, नेक्स्ट वेरिएशन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। E4, C5, Nf3, D6, D4, Cd4, Nd4, Nf6, Nc3 एंड A6। उसके बाद मैंने बताया था बिशप E3 जो स्टार्टिंग वीडियो में था, और बिशप G5 पे हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। बिशप G5 के बाद आपको खेलना है Nd7 एंड Bd7। अब यहाँ पे हमने देखा था कि Qe2 वाला वेरिएशन, और उसके बाद Qe2 देन F4, ये दोनों लाइन मैंने लास्ट टाइम दिखाई थी आपको। लेकिन अर्ली अटैक अगर वाइट करता है F4, कई लोग ऐसे खेलते हैं F4, तो उसके रिप्लाई में आपको क्या करना है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो F4 के बाद आपको रिप्लाई देना है Qc7, अर्ली Qc7। अब वाइट Qf3 करता है, ज्यादातर लोग F4 और Qf3, ये लाइन बहुत ही अटैकिंग है, और खास करके मैं बताऊंगा इस लाइन नेसडॉर्फ में सबसे पावरफुल वाइट की अटैकिंग लाइन है, सबसे ज्यादा अटैकिंग लाइन है, तो F4 और Qf3, क्योंकि ये गेम मैंने विश्वनाथन आनंद की भी देखी है कि वो भी ज्यादातर ऐसे खेलते थे F4 देन Qf3, और इसमें आपको मूव बाय मूव याद करना पड़ेगा। तो F4 देन Qf3, अब आपको रिप्लाई क्या देना है, यहां पे आपको B5 करना है। अब B5 के बाद वाइट करता है लॉन्ग कैसल, डायरेक्टली अपने D4 नाइट को प्रोटेक्शन करने के लिए, और उसके बाद वो G4, F4, F5 वगैरह अटैक करना चाहता है। लॉन्ग कैसल के बाद आपको खेलना है बिशप B7 एक्स्ट्रा अटैक, ताकि वो E5 स्टॉप हो जाए। तो Bb7 के बाद वाइट G4 करते हैं ज्यादातर लोग, बहुत सारी गेम्स आपको देखने को मिलेगी चेस डेटाबेस में। ये स्ट्रक्चर के बाद ब्लैक को क्या खेलना है, परफेक्ट सबसे बेस्ट मूव है यहां पे E6, बिशप D3। वाइट अपना डेवलप कंप्लीट कर रहा है और उसके E4 पॉन को सपोर्ट भी दे रहा है, और आपके किंग साइड उसका अटैक बढ़ रहा है। काउंटर अटैक में आपका भी अर्ली अटैक होना चाहिए इसी गेम में। तो बिशप D3 के बाद यहां पे आपको तुरंत ही B4 करना है, उसके जो सपोर्टेड नाइट है जो किंग को डिफेंड कर रहा है उसे पहले वहां से हटाना है। तो B4 के बाद नाइट Ce2, ज्यादा प्लेयर यही खेलते क्योंकि उसके अलावा और कोई अच्छे प्लेस नहीं है वाइट के लिए। तो Nce2 के बाद यहां कितने मूव हो गए दोस्तों, 12th मूव। यहाँ पे एक नेचुरल मूव है कि एक क्वेश्चन भी है कि ब्लैक अब अपने पीसेस को एक्टिवेट कैसे करेंगे, तो बेस्ट ऑप्शन है नाइट C5, नाइट G3, व्हाइट खेलेगा नाइट G3, बिशप क्रॉस F6 ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि नाइट क्रॉस बिशप क्रॉस F6, जी क्रॉस F6, और यहाँ पे ब्लैक को पूरा डिफेंड मिल जाता है ब्लैक के किंग साइड। तो यहाँ पे व्हाइट को सबसे बेस्ट ऑप्शन है नाइट G3, और उसके बाद सिंपल बिशप E7, और यहाँ व्हाइट को खेलना पड़ेगा किंग B1 और फिर H6। 14th मूव, ये पोजीशन आने के बाद ब्लैक और व्हाइट दोनों कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आ गए हैं, कौन जल्दी सैक्रिफाइस देता है, कौन अच्छे मूव्स निकालता है, उसके बाद डिपेंड है अपनी स्ट्रॉन्ग गेम के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे इस सिचुएशन के बाद आप चेस बाइट्स में देख के अपनी गेम की तैयारी कर सकते हैं, और चेस बाइट्स में कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले वो भी देख लेते हैं। दोस्तों चेस बाइट्स में कैसे यूज करते हो मैं खास आपको दिखाऊंगा, और बहुत ही मजा आएगा ये सॉफ्टवेयर यूज करने का। ये ऑनलाइन चेस बाइट्स एक साइट है, वेबसाइट है, चेस बाइट्स आपको लिखना है यहाँ पे गूगल में चेस बाइट्स,
उसके बाद चेस वाइस ओवर 9 मिलियन उसके फ्री ऑनलाइन चेस गेम्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक्सप्लोजर ओपनिंग के ऊपर आप जब स्क्रॉल करोगे तो उसके ऊपर एक्सप्लोरर आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। अब ऐसे एक और आपके सामने पेज खुल जाएगा, यहाँ पे हम देखते हैं जैसे E4 हमें जो ओपनिंग करनी है वो सारे मूव्स कर देने हैं। C5 अभी हम देख रहे हैं नेस्डॉक, तो नाइट F3, उसके बाद D6 है, उसके बाद हम कौन सी गेम देखना चाहते हैं D4, तो यहाँ पे D4 क्लिक करेंगे, C into D4, नाइट टेक्स D4, फिर नाइट F6, नाइट C3, फिर A6, उसके बाद बिशप G5, फर्स्ट चॉइस है भी G5, जो मैंने अभी हमारे रिसेंटली डेटाबेस में हमारी जो वीडियो की सीरीज है उसमें चल रही है बिशप G4। इसमें ब्लैक की फर्स्ट चॉइस E6 बताई है, लेकिन मैंने आपको मना किया था आपको सेकंड चॉइस करनी है NBD7। सेकंड चॉइस में ब्लैक ज़्यादा गेम खेला है वो भी आपको पता चल जाएगा, 42% ब्लैक विंस है। यहाँ पे NBD7, उसके बाद आपको खेलना है F4, Qc7, उसके बाद Qf3, यहाँ H6 बताया है, लेकिन H6 हमने 14th मूव में बताया है। तो इसके बाद आपको मूव देखनी है अपनी बुक में कि मैंने क्या कहा था। मैंने आपको बताया था B5 अर्ली अटैक करने को, और यहाँ पे वाइट का रिप्लाई क्या था, वाइट का रिप्लाई था यहाँ पे लॉन्ग कैसल और हमारा बिशप B7। और इसके बाद दोस्तों ये पोजीशन से आप सोचोगे कि हमें करना क्या है, हमने ये पूरी ओपनिंग सर ने जो भी ओपनिंग बताई ये मूव्स बताए उतने तो हमारे बोर्ड के ऊपर आ गए। अब यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करके देखना है कि व्यू द गेम्स, आप जैसे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे सारे 100 गेम्स विद दिस पोजीशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और इस पोजीशन के बाद सारे गेम्स आपके सामने आ जाएंगे। इस गेम खेले हुई गेम्स देखिए यहाँ पे है सब, 2466 रेटिंग वाला प्लेयर है उसके सामने, 2494 वाला प्लेयर है, दोनों के बीच में गेम खेली गई थी, ड्रॉ हो गई थी, और ये सारी गेम्स आपके सामने, जो भी गेम आपको अच्छी लगे 01 वाली या 10 वाली, रिजल्ट भी जर आपके सामने है उसके ऊपर आप क्लिक कर देना और वही गेम आपके सामने आ जाएगी इस बोर्ड के ऊपर, और यहाँ लोडिंग हो गई और यहाँ से आप वन बाय वन सारे मूव्स देख सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा वेब पेज है, मतलब चेस बाइट्स मैं तो बहुत यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों इतना तैयार करने के बाद ऐसे एक्सरसाइज करके आप अपनी ओपनिंग बहुत ही पावरफुल कर सकते हो, बहुत ही ऊपर के लेवल में आप जा सकते हो चेस में। मेहनत कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, पर मेहनत करनी आपको है। आप मेहनत करोगे चेस में तो जल्द ही आगे बढ़ोगे, और चेस में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है बहुत ही। आप जैसे कि सिर्फ ओपनिंग सर ने बता दी, 10-15 मिनट की ओपनिंग की वीडियो है, देख लेते ओपनिंग तैयार कर देते उसके बाद, लेकिन उसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आपको उसके बाद ऐसी वेबसाइट ओपन करके अपनी गेम्स देखनी है, अपनी लाइन की गेम्स देखनी है, कौन सी लाइन में कौन सी मिस्टेक ब्लैक ने की थी और लॉस हो गया था वो भी आप देख सकते हो, और वाइट ने कहाँ पे मिस्टेक की और ब्लैक ने कैसे उसे पनिशमेंट दिया वो भी आप देख सकते हो। तो ऐसे अपनी आप ओपनिंग भी तैयार कीजिए और गेम डेटाबेस देख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे दूसरे वेरिएशन के साथ। जय हिंद, जय गुजरात।